हे एवरीवन, आप लोगों ने ढोकला तो बहुत ही तरीके से खाया होगा। और मास्टर शेफ स्पेशल में आप लोग एक एपिसोड में देखे होंगे जो उन्होंने एक ग्रीन ढोकला बनाया था, जो इंस्टेंट ढोकला बोल सकते हैं, वो बनाया था। तो वो पहले आप लोग वीडियो देखिए, फिर मैं आप लोगों से बात। सॉफ्ट मॉइस्ट स्वीट स्पाइसी। तो आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, तो चलिए अब हम इसकी रेसिपी देखते हैं और इसे बनाते हैं। ये बहुत ही टेस्टी वाला है, तो वीडियो को एंड तक ग्रीन जरूर ढोकला या इंस्टेंट ढोकला बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे हम दही। दही हम ऐड करेंगे 1/3 कप के करीब। इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। चीनी ऐड करेंगे हम 2 टीस्पून के करीब। लेमन जूस 1 टीस्पून। सॉल्ट 1/2 टीस्पून या चुटकी भर। जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून के करीब। जो लोग गार्लिक नहीं खाते हैं वो सिर्फ जिंजर का पेस्ट ऐड करें। इस सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे विस्कर से। मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है इसे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। ऐड कर रही हूँ मैं 2 कप के करीब। ये देखिए थोड़ा सा हम इसे मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे अपना पालक देखिए मैंने प्यूरी। पालक का प्यूरी बना लिया है, मीन्स ऐसे ही पालक को मैंने थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से पीस लिया है। अब हम ऐड कर देंगे इसे बेसन में। मैं 3 टेबल स्पून के करीब ऐड कर रही हूँ पालक प्यूरी। आप अपने क्वांटिटी के अनुसार ऐड कीजिएगा। मैंने अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक बैटर रेडी करेंगे। सॉफ्ट बैटर रेडी करेंगे हम। मिक्स कर देते हैं सबको। ये देखिए हमारा बैटर बन के रेडी हो गया है। जैसे केक का बैटर बनता है वैसा ही बैटर ये हो गया है। आप देख सकते हैं इसका थिकनेस। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून के करीब सोडा। आप सोडा को स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हमने दही डाला है तो वो फूलने में मदद करेगा दही, लेकिन मैं थोड़ा सा सोडा ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इनो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। हमारा बैटर बन के रेडी हो गया है। अब हम मोल्ड को रेडी करते हैं। मैंने एक केक टिन लिया है, आप देख सकते हैं। ऐसा कोई केक टिन ले लीजिए, नहीं तो आप किसी भी तरीके का ऐसा कोई बर्तन हो तो वो आप ले लीजिए। थोड़ा सा ऑयल हम डालेंगे क्योंकि हमें ग्रीस करना है इसे। तो ऑयल डाल के हमें इसे ब्रश से पूरा फैला दूंगी। आप चाहे तो आप हाथों से भी कर सकते हैं इसे। ये देखिए हमारा मोल्ड रेडी हो चुका है। अब हम इसमें अपना बैटर ऐड करेंगे। ये देखिए ये हो गया है रेडी। अब हम इसे देंगे स्टीम। ये देखिए मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। आपको मैं दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं पानी ऐड किया है, ऊपर आ गया थोड़ा सा। आप चाहे तो मोमोज बनाने वाला आप ले सकते हैं, मेरे पास वो नहीं था इसलिए मैं ये ले रही हूँ। इसके ऊपर मैंने ये नेट वाला डाल दिया है। इसके ऊपर मैं डाल दूंगी अपना ग्रीस किया हुआ ये बैटर वाला टिन, केक टिन। ये अच्छे से मिडिल पार्ट में हम डाल देंगे। कोई भी ढक्कन हम दे देंगे इसके ऊपर जो अच्छे से फिट हो जाए, जिससे स्टीम हमारा बाहर ना निकले। और उसको हम मीडियम हाई फ्लेम पे पकने देंगे। लगभग के 15 मिनट के करीब हम इसे पकाएंगे। 15 मिनट हम इसे स्टीम होने देंगे। उसके बाद हम गैस को ऑफ करेंगे, हल्का सा कूल डाउन होने देंगे। उसके बाद हम इसे निकालेंगे। उससे पहले हमें लगाना होगा तड़का, तो तड़का के लिए रेसिपी मैं आगे बताती हूँ बनाने आपको। के लिए मैंने लिया है एक सॉस पैन। आप कोई भी पैन यूज कर सकते हैं। उसमें हम ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल। आपको कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। अब हमारा पैन भी गर्म है और तेल भी गर्म है, तो सारे इंग्रेडिएंट हम बहुत ही फास्टली इसमें ऐड करेंगे। जिसमें मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड सीड्स, उसके बाद मैं डालेंगे करी लीव्स, उसके बाद ऐड करूँगी मैं हींग, जिसमें सिर्फ तिल, वाइट तिल ऐड कर रही हूँ मैं। 1 चम्मच के करीब चीनी, 1/2 चम्मच के करीब नमक, 2 सूखे लाल मिर्च, 1 गिलास पानी। आप पानी की जगह अगर आपके पास कोकोनट है, कोकोनट वाटर है, तो आप कोकोनट वाटर ऐड कीजिएगा इसमें। इस सारे चीज़ों को हम 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। उसके बाद हम इसे कूल डाउन होने देंगे, फिर हम तड़का लगाएंगे 5 मिनट ढोकले हो में। गया है, मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। इसको हल्का सा हम कूल डाउन होने देंगे। ये बहुत ही हाई है अभी इसका टेम्परेचर, थोड़ा सा कूल डाउन हो जाता है फिर हम इसे होने के तड़का बाद फिर से लगाते हैं। चेक करेंगे। आप देख सकते हैं स्मूथ निकल रहा है, ज़्यादा नहीं लग रहा है इसमें, स्मूथ है पूरा। इसका मतलब हमारा ढोकला बन के रेडी हो गया है। अब हम इसे पैन से बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए तड़के का टेम्परेचर जो है हल्का कूल डाउन हो चुका है। अब हम इसको ढोकले में ऐड कर देंगे।
तड़का लगाने के बाद मैंने पैन से इसे हटा दिया है। हम इसे ढक के 20 सेकंड के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसको कट करेंगे। तो आपसे मिलती हूँ मैं कुछ सेकंड बाद। एवरीवन, तो हमारा ग्रीन ढोकला या फिर इंस्टेंट ढोकला बनके रेडी है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए और खाइए। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारी ये यूट्यूब फैमिली और बड़ी हो सके और मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ और रेसिपी लेके आ सकूँ। तो फिर मैं आपसे मिलूंगी नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।